वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप का पैनल चला रहे तीन आरोपियों को वैशाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करोड़ों के लेन देन के दस्तावेज भी पुलिस ने जब्त किए हैं। भिलाई के दीपनगर में किराए का मकान लेकर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार संचालित किया जा रहा था। वैशाली नगर पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने यहां पर दबिश दी और तीन आरोपियों जिसमें श्रीकांत देशमुख, विवेक सिंह, नीरज कुमार उर्फ राजेश को वैशाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 11 नग मोबाइल, एक लैपटॉप और दो बैंकों के चेकबुक बरामद किए हैं। दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि ऑनलाइन सट्टा खिलाते ये तीनों आरोपी पकड़े गए हैं। डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि महादेव ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले इन आरोपियों के द्वारा एक दिन में 25 लाख तथा एक महीने में करीब 6 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है। ये हाई प्रॉफिट बिजनेस है। सबकी बात नंबर है मेरा, तुम लोग बताया था ना मुझे सब कुछ पकड़ के यहाँ पे मेरे काम करवा रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे बताओ नंबर। अरे क्या नहीं कहा तुम्हें, लंबा जाओगे अंदर, जो पूछ रहा हूँ सही जवाब दो। नहीं बता रहा हूँ, बीच में मिला होली के बाद काम करेंगे क्या भाई, क्या काम। नवंबर में तो यहाँ समझाइश दिया था मीडिया बंधुओं के सामने, जो समझाया था तो समझ नहीं आया था उस टाइम। कम से कम 6-7 महीने जेल रहो, कम से कम बताओ सजा हो जाएगी, पास बंद हो गए तब मालूम चलेगा तुम लोग गलती हो गई, समय कार्रवाई करती है। दुर्ग पुलिस ने आज महादेव ऐप पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें तीन लोग जो है दुर्ग जिले से ही पकड़े गए हैं। इसमें दो लोग पहले भी भोपाल से महादेव ऐप के ऑपरेशन करते हुए पकड़े गए हैं। इस बार कुछ चीज़ें अलग थी कि ये लोग डेली ट्रांजेक्शन जो पहले 6 से 8 लाख का होता था वो बढ़ के अब 25 लाख पर डे देखा गया है। एक महीने में 6 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 3.5 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हुआ करता था। पहले सस्ते मोबाइल इस्तेमाल किया करते थे, अभी जो अल्ट्रा लग्जरी फ़ोन्स हैं 1.5 लाख के फ़ोन्स जो हैं उनका ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। महंगे कपड़े पहनते थे, महंगे गाड़ियों में घूमते थे, महंगे घरों में रुक रहे थे। पहली बार दुर्ग पुलिस ने घर के जो मालिक है उसके ऊपर भी कार्रवाई IPC गंभीर धाराओं में की है। जो अकाउंट होल्डर्स थे, 4 अकाउंट जिसको मेनली ये यूज़ कर रहे थे, उनके भी मालिकों के ऊपर गैर जमानती धाराओं के ऊपर जो है IPC और IT एक्ट में कार्रवाई की गई है। क्योंकि दुर्ग पुलिस ने लगातार आह्वान किया था कि लोग अपना अकाउंट ना दें। ये भी मालूम, कल रात कुछ और लोग पकड़े गए हैं जिनको जो एक अकाउंट को रेंट देने का 10,000 रुपये महीना लिया करते थे। समझ सकते हैं ये लड़के अकाउंट खोल के रेंट पर देते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, नशा करते हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्ग पुलिस होलिस्टिक पैकेज के रूप में अब अकाउंट होल्डर्स के ऊपर, मकान मालिक के ऊपर, खिलवाने वालों के ऊपर, खेलने वालों के ऊपर, सबके ऊपर कार्रवाई करेगी और सक्षम कार्रवाई करेगी। क्योंकि वो रात का समय था, लेकिन पूरे एविडेंस के साथ हम कार्रवाई कर रहे हैं। 5 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, और भी लोग जिन्होंने अकाउंट हायर पे दिया है उनका भी पता चल रहा है। कल पूरा खुलासा जो है दुर्ग पुलिस द्वारा किया जाएगा। एक महीने में 6 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 25 लाख पर डे का ट्रांजेक्शन है, जिसको बुकलेट में मिला है। और पहले एक मॉड्यूल चलाने में 8-9 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, यहाँ केवल 3 लोग मिलकर चला रहे थे। निश्चित रूप से हाई प्रॉफिट बिजनेस के रूप में इसको कर रहे थे, और कहीं ना कहीं दुर्ग पुलिस ने पिछली बार उनको हल्के में जमानती अपराध में उनके करियर को देखते हुए छोड़ दिया था, तो उसका फ़ायदा उठा के बुलंद हौसलों में उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की। लेकिन अब गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई होने से काफ़ी कुछ में लगाम लगेगा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप के कारोबार को खत्म करने के लिए दुर्ग पुलिस कटिबद्ध होने की बातें कही। साथ ही कहा कि पुलिस के द्वारा इस कारोबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।